भाई कहाँ गया बॉबी बॉल, कहाँ गया पाक बॉल, कहाँ गया भाई बादशाह का खेलने का तरीका, बाबर आजम का, निकल गई सारी हवा लंका प्रीमियर लीग के अंदर। भाई लंका प्रीमियर लीग बाबर आजम का एक टफ कंपटीशन होने वाला था और बहुत उम्मीदें थी भाई बाबर आजम से इस कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम को। भाई कोलंबो स्ट्राइकर्स ने बड़ी उम्मीदों के साथ बाबर आजम को अपनी टीम के अंदर शामिल किया था, लेकिन बाबर आजम का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से बाबर आजम का बल्ला बोलता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, फिर आप बोल सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब जब मौके मिलते हैं। लेकिन भाई लंका प्रीमियर लीग के अंदर 2023 के अंदर भाई बाबर आजम का बल्ला एकदम शांत रहा, सैट पैडिंग के नारे लगाए गए और सैट पैडिंग का एक जो इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है वो अभी भी भाई लगा हुआ रहा इस पूरे लंका प्रीमियर लीग के अंदर, सिवाय एक शतक आया था वो ठीक ठाक स्ट्राइकर के साथ आया था, लेकिन उसके अलावा चाहे वो 50 रन की पारी जो एक आई थी उसके अलावा जो बाकी सारे मुकाबले भी थे उसके अंदर भी बाबर आजम का बल्ला एकदम खामोश रहा। 10-20-22 ऐसे कुछ रन आए इनके बाकी बचे हुए मुकाबलों के अंदर और बिल्कुल फ्लॉप प्रदर्शन बाबर आजम का इस लंका प्रीमियर लीग के अंदर रहा, एक्सेप्ट 100 and 50 जो एक विनिंग कॉज में आई थी। सिर्फ दो वो मुकाबले थे जिसके अंदर भाई इनकी टीम जीती थी और इन दोनों मुकाबलों के अंदर जो मैन ऑफ द मैच थे वो बाबर आजम थे, यानी बाबर आजम के ऊपर पूरी पूरी डिपेंडेंट थी ये टीम। और जिस टाइम पे बाबर आजम का बल्ला नहीं चलता था भाई पूरे ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा जाती थी बाबर आजम की टीम। और आखिरी मुकाबले के अंदर भी जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे तो भाई काफी ज्यादा ट्वीट वायरल हुए थे कि भाई बाबर आजम इस मुकाबले के अंदर अब तो पक्का 50 आने वाला, अब तो बड़ा 50 आएगा, फिर शतक आएगा। लेकिन भाई बाबर आजम का फॉर्म थोड़ा सा 6 रन पे भाई पवेलियन लौट के चले गए और बाबर आजम का फॉर्म पे जो दोबारा से सवालिया निशान भाई उठने लग गए और बाबर आजम दबा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल होने लग गए। स्टैट पैडिंग के लिए बोला गया बाबर आजम स्टैट पैडिंग करते हैं और जो इनका स्ट्राइक रेट रहा है थ्रू स्ट्राइकर्स के लिए लंका प्रीमियर लीग के अंदर वो भाई 113 112 कुछ ऐसे ही रहे। तो भाई क्या रहा है बाबर आजम के स्कोर, तो भाई बाबर आजम के स्कोर इस लंका प्रीमियर लीग के अंदर कुछ ऐसे रहे भाई, पहले मैच के अंदर 7 run 8 gains 87 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद दूसरा मैच भाई 59 run 52 gains 113 का स्ट्राइक रेट, पांचवा मैच 24 run 21 gains 114 का स्ट्राइक रेट, फिर छठा मैच 11 run 13 gains 84 का स्ट्राइक रेट, सातवां मैच 9 run 8 gains 112 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद फिर आठवां मैच आखिरी मैच 6 run 12 gains 50 का स्ट्राइक रेट। यानी कि भाई जो मेजॉरिटी स्ट्राइक रेट है 8 मैचों के अंदर से 3 मैच के अंदर स्ट्राइक रेट जो है वो भाई 100 से कम का रहा है और जो 2-3 में जो बड़े स्कोर आए उसमें से एक शतक है जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए, बाकी 112 114 115 113 कुछ ये स्ट्राइक रेट रहे हैं बाबर आजम के इस लंका प्रीमियर लीग के अंदर। खैर अब सैट पैडर बाबर आजम या फिर भाई कहां चले गए बाबर आजम ये देखने वाली बात होगी एशिया कप 2023 के अंदर, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। क्या ये जो बाबर आजम की स्टैट बैटिंग थी ये एशिया कप 2023 या फिर वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी थी, बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं भाई पाकिस्तान को और बाबर आजम से बड़ी उम्मीद है भाई जो भी दर्शक बाबर आजम को फॉलो करते हैं उन सबको। खैर हम सब चाहेंगे भाई टीम इंडिया जीते और बाबर आजम का फ्लॉप प्रदर्शन इसके अंदर भी जारी रहे। फिलहाल इस वीडियो में